पटेल अखिलेश यादव का साथ लगातार देती जा रही हैं। ओपी राजभर, शिवपाल यादव, अपर्णा यादव, केशव देव मौर्य, इन सबकी बगावत के बाद भी पल्लवी पटेल पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़ी हैं। और वहां दूसरी तरफ पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल ने सपा को झटका देने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें, ओपी राजभर का समाजवादी पार्टी से तलाक हो चुका है और इस तलाक के बाद पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि अगर ओम प्रकाश राजभर एनडीए में आएंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छे कार्य देश के विकास और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की यात्रा में हमें जितने भी साथी का साथ मिले अच्छा ही रहेगा। अनुप्रिया पटेल ने यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की बगावत को देखते हुए ये साफ साफ कह दिया है कि ओपी राजभर अगर एनडीए में आ जाएंगे तो बेहतर होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमने पहले भी एक दूसरे के साथ काम किया है। 8-9 सालों से हमने लगातार देश के विकास में काम किया और आगे भी कर रहे हैं। सपा को सोचना होगा, क्या सोचना होगा ये अखिलेश यादव खुद तय करें। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा तय करनी है तो हमें जितने साथ मिलेंगे उतना अच्छा है। आपको बता दें, गठबंधन को लेकर अनुप्रिया पटेल ने सिर्फ ये कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में ही वापसी कर ले, कहीं और जाने पर विचार क्यों कर रहे हैं। एक तरफ पल्लवी पटेल ओपी राजभर और अखिलेश यादव को दोबारा मिलाने की कोशिशें कर रही हैं और यहां दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने पल्लवी पटेल के खिलाफ समाजवादी पार्टी को दो हिस्सों में बांटने की अपनी रणनीति सामने रखती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।